हे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दिल्ली सर्कल जो सेंट्रल मेन है हम लोगों की, सेंट्रल दिल्ली में कट ऑफ कितनी जाती है, और यह कट ऑफ इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए मैं बताऊंगा। तो यह 7वीं लिस्ट है जो कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली जो है जीडीएस पोस्ट के लिए है। तो आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है कैसी गई है दिल्ली में। दिल्ली में तो आप लोग जान ही सकते हैं कि ज़्यादातर सीबीएसई बच्चे जो है अटेम्प्ट करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम को, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए, ईडब्ल्यूएस की पहली कट ऑफ है 96.6 गई है, जो कि दिल्ली ईस्ट में है, और इसकी ब्रांच ऑफिस जो है खदार में है, तो यहाँ पे 96.6 गई है। वहीं जनरल की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 98.833% गई है जोहरीपुर ब्रांच ऑफिस में, दिल्ली ईस्ट में ही। और वहीं दिल्ली नॉर्थ में बात करें तो 98 98 98 98 गई है। तो इससे अनुमानित ये आप लगा सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली में इंडिया पोस्ट जीडीएस की जॉब चाहिए, तो आपकी परसेंटेज जो 95+ रहनी चाहिए, तभी आपका चांसेस बन सकता है। यहाँ पे देखिए, लास्ट में केवल 25 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाया था, इससे पहले बहुत ही लोगों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट पिछली बार कम आई थी और अब की बार थोड़ा ज़्यादा आई है, इसलिए परसेंटेज थोड़ा हाई जा सकता है। तो जिन बच्चों का 95+ होगा, ओबीसी कैटेगरी से होंगे या जनरल कैटेगरी से, वो बिंदास भर सकते हैं और दिल्ली में उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, और वही बात करें और अदर कैटेगरीज की, तो अदर कैटेगरीज बहुत कम ही देखने को मिली है। यहाँ पे ओबीसी और अनरिजर्व की कैटेगरी ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं हम एससी की अगर बात करें, तो एससी का 96 ही गया है और एसटी की 92। तो यहाँ पे अदर कैटेगरीज जो हैं अनरिजर्व और ओबीसी को छोड़कर, बाकी बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं सजेशन यही कहूँगा कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व की ज़्यादा भरमार है, तो यहाँ पे वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं जिनका 95+ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेट की कट ऑफ को लेकर इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, और शेयर्स तो जरूर करिएगा आप लोग, और ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।